और वहीं शिंजो आबे पर हमला करने वाले पर खुलासा हुआ है। हमलावर ने पूछताछ में पुलिस से कहा है, मैं शिंजो आबे से नाराज था। ये यामागामी जो हमलावर है उसकी तरफ से कहा गया है, शिंजो आबे की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, यह हमलावर का बयान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले के पीछे कौन है, ये किसकी साजिश है, इसकी तफ्तीश में जापान सरकार जुट गई है। लेकिन शिंजो आबे पर हमले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि शिंजो आबे पर हमला किस मकसद से किया गया। क्या शिंजो आबे किसी राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुए? क्या शिंजो आबे पर हमले में किसी दूसरे देश का हाथ हो सकता है? आखिर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर इस हमले से किसे फायदा हो सकता है? सवाल ये भी है कि शिंजो आबे पर हमले के लिए पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल शख्स को किसने हायर किया? क्या किसी के इशारे पर हमलावर युवक ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर गोली चलाई? जापान की पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जापान जैसे शांत देश में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुए इस हमले को लेकर पूरे जापान में चर्चाएं हो रही हैं और सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में शिंजो आबे पर हमले के पीछे बताया जा रहा है कि हमलावर पूर्व पीएम शिंजो आबे की नीतियों से नाराज था, जिसके चलते उसने उन पर अटैक का प्लान बनाया। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि हमले के पीछे यही वजह थी या कुछ और। शिंजो आबे की हत्या की खबर पर चीन का पहला रिएक्शन आ गया है। आबे पर राजनीतिक हमले की आशंका, ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। जापानी एक्सपर्ट्स के हवाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये सबसे बड़ी राजनीतिक घटना। शिंजो आबे के निधन से दुनिया में शोक की लहर है। उधर चीन की तरफ से भी पहला रिएक्शन आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने शिंजो आबे पर राजनीतिक हमले की आशंका जताई। जापानी एक्सपर्ट्स के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। कई मौकों पर चीन ने शिंजो आबे की खुलकर आलोचना की थी। दरअसल चीन ताइवान के बीच तनाव पर शिंजो ने खुलकर ताइवान का समर्थन किया था। पूर्व पीएम रहते हुए भी शिंजो ने कुछ दिन पहले ताइवान के मुद्दे पर कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान चुप नहीं बैठेगा। शिंजो आबे के निधन पर अमेरिका ने भी अफसोस जताया है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में शिंजो के परिवार और जापान के साथ है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जापान के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। शिंजो आबे ऑस्ट्रेलिया के भी करीबी दोस्त थे। आबे के निधन पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी दुख जताया है। उधर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि उनके करीबी मित्र शिंजो के निधन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है।